और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूँ श्रेयसी कोलकाता से। सो आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बेबी एसेंशियल हॉल। सो ये एक न्यू बॉर्न बेबी एसेंशियल सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने रिसेंटली अमेजन से मंगवाए हैं मेरी अपनी बेबी के लिए। सो वही मैं आज आप सबके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। सो इसमें जैसे मैं दो पार्ट में ये वीडियो डिवाइड करने वाली हूँ क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी के लिए आप सबको पता ही है बहुत सारी चीज़ें लगती है। सो इसलिए मैं आज का जो ये वीडियो है ये सिर्फ उसी प्रोडक्ट्स को शेयर करूँगी जो कि मैंने अमेजन से मंगवाए हैं और इसेंशियल प्रोडक्ट्स है। और इसका जो सेकेंड पार्ट है वो मैं शेयर करूँगी जिसमें मैं आप लोगों को मेनली क्लोथिंग आइटम्स दिखाऊँगी जो कि मैंने फर्स्ट प्राइस से मंगवाए हुए हैं। सो चलिए आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। और ये जितने भी आइटम्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इन सभी के परचेज लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो इन केस इसमें से अगर आप लोगों को कुछ भी चाहिए होगा तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। सो उससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ये वीडियो देख रहे हैं सो प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे सो इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आइटम्स दिखाने से पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अभी बेबी रिलेटेड बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे नए ब्रांड्स भी आए हैं। सो मुझे पर्सनली थोड़ा मतलब रिसर्च करके ब्रांड्स के बारे में पता करके रिव्यूज़ चेक करके और भी बहुत सारे वीडियोस देख के मुझे जो समझ में आया है मैंने उसी सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे परचेज किए हैं। सो ये एक मिक्स्ड हॉल होने वाला है, इसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं। सो मैं एक एक करके आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये सारे आइटम मैंने खुद से परचेज किए हैं। सो सबसे पहले जो मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ वो है एक लव लैप का ये सेट। सो ये जो है ये 7 पीस का एक सेट है, ये बेसिकली है प्रीमियम बेबी वॉश क्लोथ्स। सो इसमें जैसे 7 अलग मैं ओपन करके भी आप लोग को दिखाऊंगी, इसमें 7 ऐसे वॉश क्लोथ्स हैं डिफरेंट प्रिंट्स में बेबी के लिए डिफरेंट कलर्स में, इस तरीके का है ये। और ये 7 पीस के लिए मुझे प्राइस पड़ा है 215 रुपीज़। और ये जो है जीरो मंथ से लेके आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये 100% कॉटन है, हाईली एब्जॉर्बेंट है, सुपर सॉफ्ट है और ब्रीदेबल फैब्रिक है। सो जो हॉजरी कॉटन आते हैं उस मटेरियल का ये बना है। सो मैं एक आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ कि ये इस तरीके का छोटा छोटा इस तरीके का क्लॉथ है, ये इतना सा साइज का ये है, जैसे फेस टॉवल वगैरह होता है छोटा उस तरीके का। ये बहुत ही ज़्यादा एकदम सॉफ्ट है और इसके ऊपर इस तरीके का छोटा छोटा प्रिंट बने हुए हैं, 7 डिफरेंट कलर्स में हैं। सो ये जैसे आप बेबी के फेस वाइप करने के लिए या फिर बर्पिंग क्लोथ के हिसाब से या फिर फीडिंग के टाइम पे बीप के हिसाब से इस तरीके से बहुत मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हैं। और ये न्यू बॉर्न के अलावा थोड़ा जब आपका बेबी बड़ा हो जाएगा उस टाइम पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जब हम लोग डाइपर वगैरह चेंज करते हैं उसके बाद जो वेट टिश्यू से साफ़ करते हैं उसके बाद ये थोड़ा इस तरीके का कॉटन का कपड़ा आप रख सकते हैं साफ़ करने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा गीला टाइप्स हो ही जाता है। उसके बाद इस तरीके के स्मॉल कपड़े से आप उसको क्लीन कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं। और ये ट्रैवल के लिए भी बहुत ईजी है, बहुत छोटा ये पैक हो जाएगा इतना सा। और इसको कभी भी आप अगर बाहर जा रहे हैं बेबी को लेके तो आप कैरी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं दिखाना चाहती हूँ वो भी बहुत ही एक इसेंशियल चीज़ है, वो है नैपीज। सो ये जो ब्रांड है इसका नाम है पॉम पॉम स्वीट हार्ट करके कोई ब्रांड है, ये भी मैंने अमेजन से ही मंगवाया है। और ये 10 का पूरा सेट आता है, इस तरीके का जिपलॉक पैकेट में आया है। सो मैं ओपन करके आप लोग को दिखाती हूँ। सो इसमें 5 डिफरेंट कलर्स है, आप देख सकते हैं पिंक, ब्लू, डीप ब्लू, येलो, ग्रीन, इस तरीके का। और हर एक कलर में आपको 2 इस तरीके का नैपी मिलता है। सो ये जैसे डिफरेंट साइज में भी आपको मिलता है, ये जैसे मैंने जो साइज मंगवाया है ये 1-3 मंथ्स के बेबी के लिए है, सबसे स्मॉल वाला ये साइज है। और ये 10 का टोटल पैक है, तो इसका जो प्राइस मुझे लगा है वो है 675 रुपीज़। सो ये बहुत अच्छा है क्योंकि एक साथ इतना आप मंगवा सकते हैं पूरा एक पूरा सेट के हिसाब से। और ये सारे नैपीज तो न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है, बहुत ज़्यादा काम में लगता है, तो ज़्यादा करके मंगवाना ही ठीक रहता है। अब मैं जो है आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके का है, ये ऐसे है सामने से और पीछे से ऐसे है, बेस कलर सभी का ही वाइट है, उसके ऊपर इस तरीके का कलर का बॉर्डर किया गया है, जैसे इसमें पिंक है और इस तरीके का छोटा छोटा बेबी के लिए एलिफेंट वगैरह इस तरीके का प्रिंट है। और यहाँ पे इस तरीके के वेलक्रो लगे हुए हैं जहाँ से इसको आपको ओपन करना है, इसमें कोई भी वो टाई करने के लिए नॉट वगैरह नहीं है जो कि ओपन या
खोलने के लिए, पहनाने के लिए बेबी को बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। और ये अंदर से कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे एक अलग वाइट कपड़े का यहाँ पे लगा हुआ है। सो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कपड़े का है, एकदम 100% कॉटन है ये, और ये मतलब रीयूजेबल है। सो आप कितना भी बार इसको वॉश कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत ज़्यादा ऐसे एब्जॉर्ब नहीं करेगा, हर एक पी करने के बाद आपके बेबी का ये जो डायपर है ये आपको चेंज करना पड़ेगा, ये क्लॉथ डायपर है इसीलिए। लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग जो पैम्पर्स वगैरह डायपर यूज़ करते हैं वो हर टाइम मतलब 24/7 पहनाना बच्चे के लिए सही नहीं होता है। काफ़ी टाइम उन लोगों को रैशेज हो जाते हैं, फिर स्किन रेडनेस के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। सो इसलिए डायपर फ्री टाइम के लिए इस तरीके का जो सॉफ्ट कॉटन का डायपर आता है ये बहुत अच्छा है। ये कॉस्टिंग के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, इको फ्रेंडली भी है, और ये आप हर एक बार चेंज करने के बाद इसको वॉश करके फिर से आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मटेरियल का मुझे लगा, सो इसलिए मैंने 10 का ऐसा एक सेट पूरा मंगवाया है अमेज़न से। नेक्स्ट जो मैंने मंगवाया है वो है लव लैब कंपनी से ही मैंने मंगवाया है, और ये है स्वाडल सेट। सो ये 3 का कुछ इस तरीके का सेट है, और इस तरीके का सेट मैंने 2 मंगवाए हुए हैं। ये 3 जैसे डिफरेंट प्रिंट में, ग्रीन, ये थोड़ा सा ब्राउन और ये वाइट, और दूसरा जो है वो इस तरीके का प्रिंट में है, ये स्काई ब्लू, ये पीच और ये थोड़ा सा ऑरेंजिश। तो ये दोनों ही 3-3 करके सेट है, और ये एक एक सेट मुझे 610 रुपए करके आया है। सो ये एक एक ओपन करके मैं दिखाती हूँ। ये पहले तो पूरा जो कॉटन मसलिन कपड़ा आता है उस कपड़े का है, बहुत ही ज़्यादा ये अल्ट्रा सॉफ्ट है। ये आप 0 से लेके मतलब एकदम न्यू बॉर्न से लेके 18 मंथ्स तक बेबी के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये मल्टीपल वेज में आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे बेबी को रैप करने के लिए, फिर आप इसको बिछा के बेबी को लिटा सकते हैं, अगर हल्की सी ठंड है मॉनसून वगैरह के टाइम पे, या फिर एसी आप ऑन रख रहे हैं सो इसको आप ओढ़ भी सकते हैं बेबी को। इस तरीके से मल्टीपल वेज में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये काफ़ी बड़ा भी है। मैं दिखा देती हूँ आपको एक ओपन करके, तो देखिए ये इतना सा बड़ा है कपड़ा। सो ये बिल्कुल भी कहीं से भी छोटा नहीं होगा, आराम से आप इसमें जो है बेबी को अंदर रैप कर सकते हैं, या जो भी मैंने अदर वेज बताया आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत बहुत सॉफ्ट है, कहीं से भी बेबी को कुछ भी थोड़ा सा भी इचीनेस या फिर हार्श नहीं होगा, बहुत जेंटल है उन लोगों के लिए, क्योंकि उनके जो स्किन है बहुत ज़्यादा अल्ट्रा सॉफ्ट होते हैं। और ये आप बहुत इजीली इसको वॉश भी कर सकते हैं, और फिर सूखने के बाद इसको रीयूज भी कर सकते हैं। सो इसलिए मैंने इस तरीके के 2 सेट मंगवाए हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए इस तरीके के कपड़े बहुत ज़्यादा लगते ही है। सो ये जो लव लैप है इसका जो रिव्यूज़ है मुझे इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा रिव्यूज़ दिखा, इसलिए मैंने एक ही कंपनी के इस तरीके के 2 सेट मंगवाए हैं। नेक्स्ट मैंने जो मंगवाया है वो है बेबी के लिए ग्रूमिंग किट, एकदम न्यू बॉर्न बेबी के लिए जो बेसिक ग्रूमिंग किट लगता है वही मैंने मंगवाया है, और ये कॉम्बो में मुझे आया था। ये 2 का इस तरीके का 2 सेट है, लेकिन ये एक ही कॉम्बो में आया था, और ये मुझे पड़ा था 530 रुपीज़। सो इसमें बेसिकली ये दिखा देती हूँ, 2 अलग इस तरीके का सेट है, और ये भी लव लैब ब्रांड का ही है। सो पहला वाला जो है इसमें 2 इस तरीके का है हेयर सेट, मतलब हेयर ग्रूमिंग किट, उसमें एक इस तरीके का ब्रश आता है हेयर होम, और ये इस तरीके का ब्रश है। सो ये एकदम लिखा है यहाँ पे इस तरीके का कि बहुत ही सॉफ्ट ये ब्रश है, नॉन स्लिप ये हैंडल है जहाँ से इसको आपको पकड़ना है, और ये जो होम है इसका भी जो टीथ है वो एकदम अल्ट्रा सॉफ्ट है, ताकि बच्चे के सर पे कहीं पे भी चोट ना लगे और ज़्यादा हार्श ना हो उनकी स्किन के अकॉर्डिंगली। और ये बहुत ही स्मूथली आप इसको यूज़ कर सकते हैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी। और दूसरा जो इसके साथ आया है वो है एक नेल ग्रूमिंग किट। सो इसमें 4 इस तरीके के डिफरेंट चीज़ है। सो यहाँ पे एक नेल कटर दिया गया है, उसके बाद एक यहाँ पे ट्वीज़र दिया गया है, एक यहाँ पे नेल फाइलर दिया गया है, और एक नेल कटर भी दिया गया है। सो इस तरीके से जो है 4 डिफरेंट चीज़ यहाँ पे है, जो कि आप बेबी के नेल्स के रिलेटेड जो भी है उस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बार होता है कि नेल कटर आप एकदम न्यू बॉर्न बेबी के लिए यूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि नेल के साथ काफ़ी बार उनकी स्किन भी कटने का डर रहता है। उस केस में आप जो है ये सीज़र यूज़ कर सकते हैं, और उनका जो है ऊपर वाला नेल्स कटने के बाद बहुत ज़्यादा शॉर्प हो जाता है, जिसे वो लोग खुद ही अपने आप को काफ़ी बार नोच लेते हैं और कट्स आ जाते हैं, इसलिए इस
नेल फाइलर से आप उसको स्मूथ कर सकते हैं बहुत ही, और ये ट्वीजर से उनके जो भी नेल्स के अंदर के डर्ट है जो भी है उसको आप आराम से क्लीन कर सकते हैं। सो ये जो भी है दोनों ही चीज़ प्लास्टिक मटेरियल का ही बना हुआ है और इसके ऊपर इस तरीके के कवर्स भी लगे हैं प्लास्टिक के दोनों इस सारे चीज़ में, ताकि कोई भी इससे हार्म ना हो और आप यूज़ करने के बाद वो प्लास्टिक कवर जो है इसमें लगा के इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने मंगवाया है वो है इस तरीके का क्विक ड्राई शीट। सो ये देख सकते हैं इसमें दो का ऐसे सेट है, इसमें जैसे मरून और ब्लू है ऐसा ही सेम मैंने दूसरा भी मंगवाया है जिसमें इस तरीके का लाइट पिंक एंड ब्लू का सेट है। सो मैं आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ। सो ये मैंने स्मॉल साइज में मंगवाया है क्योंकि मैंने अपना न्यू बॉर्न बेबी के लिए मंगवाया था, तो इसलिए मैंने जो है स्मॉल साइज में मंगवाया है। तो एक एक जो सेट है उसका मुझे प्राइस आया है 240 रुपीज़। सो इस तरीके का मैंने दो साइज दो पैक लिया है एक ही सेम साइज में। इसमें जैसे मीडियम और लार्ज साइज भी आता है, तो जो भी आपके बेबी के एज के हिसाब से आपको लेना है आप ले सकते हैं उसमें स्मॉल या लार्ज साइज में, प्राइस भी जैसे अलग वैरी करता है। सो ये कुछ इस तरीके का ड्राई शीट है, ये स्मॉल वाला साइज इतना साइज का है। सो ये पीछे से जैसे देख सकते हैं इस तरीके का सिंथेटिक मटेरियल है, लेकिन ये ऊपर से जहाँ से आपको अपने बेबी को लिटाना है वो पूरा इस तरीके का एकदम अल्ट्रा सॉफ्ट मटेरियल है, थोड़ा सा वेलवेटी टाइप्स फिनिशिंग है इसमें, इसके ऊपर आप अपने बेबी को लिटा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ब्रीदेबल है, सॉफ्ट है, एकदम लाइट वेट है, कोई वेट इसका है ही नहीं, और ये वाटरप्रूफ है और सुपर एब्जॉर्बेंट है। इसमें आप जैसे 2 से 3 बार अगर आपकी बेबी का पी करे तो भी ये अच्छे से सोक कर लेगा, और उसके बाद आप इसको बहुत इजीली वॉश करके फिर रीयूज कर सकते हैं। जो पहले के टाइम मिलता था वो प्लास्टिक वाला मटेरियल, सो वो रबर या प्लास्टिक वाला मटेरियल बहुत ज़्यादा स्मेली हो जाता है, वो अच्छा बिल्कुल नहीं होता है। उसमें बेबी को लेटाने से उन लोगों को थोड़ा सा इरिटेशन होता है, ज़्यादा गर्मी लगता है, पसीना भी ज़्यादा होता है, और काफ़ी टाइम उस तरीके के क्लॉथ से बेबी को रैशेज हो जाते हैं, स्किन इरिटेशन होता है। सो इसलिए ये जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद एक आइटम है, बेबी के लिए लेना ही चाहिए। सो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसमें बेबी को कोई भी डिस्कम्फर्ट या कुछ भी नहीं होगा, और इस तरीके का मैंने 4 मंगवाए हैं क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी के लिए ज़्यादा तो लगता ही है, वो लोग ज़्यादा यूज़ आता है, तो इसलिए मैंने 4 मंगवा लिया है सेफ साइड में। सो इस तरीके से भी आप मंगवा सकते हैं, और ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए या फिर थोड़े बड़े बेबी के लिए भी, जिन लोगों को भी ये इस तरीके के ड्राई शीट लगता है बेड में लिटाने के लिए, ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप जहाँ पे भी बेबी को लिटा रहे हैं उनके बेड में या कॉट में आप इसको बिछा के, इसके ऊपर अगर आप कोई और कपड़ा नहीं भी डाल रहे हैं तो भी चलेगा, इसके ऊपर डायरेक्टली भी आप अपने बेबी को लिटा सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने मंगवाया है वो है एक बेबी डिटर्जेंट, और ये मीमी ब्रांड का है। सो जो भी हम लोग न्यू बॉर्न के लिए चीज़ें लेते हैं वो हम लोग को हमेशा पहले वॉश करके तभी बच्चों के लिए यूज़ करना चाहिए, इसलिए एक बेबी डिटर्जेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि इसमें 2 साइज़ मिलता है, एक 500 ml का भी आता है, लेकिन मैंने 1.5 लीटर वाला जो है ये पैक यही मंगवा लिया है क्योंकि इतना सारा डेली वॉश के लिए लगता ही है। सो इतना बड़ा एकदम जो बॉटल है वही लेना फ़ायदेमंद लगा मुझे, और ये 1.5 लीटर का जो बॉटल है उसमें मुझे प्राइस आया है 530 रुपीज़। सो ये बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, जो भी हम लोग अपने कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल से बनते हैं, उससे बच्चों का जो कपड़ा है वो वॉश नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा होता है और बेबी की स्किन के लिए भी वो ठीक नहीं है। इसलिए इस तरीके का जो माइल्ड बेबी डिटर्जेंट है, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, उस तरीके से आप ले सकते हैं। सो मुझे सर्च करने के बाद यही सबसे अच्छा लगा, इसलिए मैंने मीमी ब्रांड का ये मंगवाया है। सो इसमें जैसे लिखा है कि इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है, ये बायोडिग्रेडेबल है, इसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं है, ये फॉस्फेट फ्री है, ये एंटी फंगल है, और ये बहुत ज़्यादा माइल्ड है बच्चों के कपड़ों के लिए। सो इस तरीके से आप ये ले सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका रिव्यूज़ जो मैंने चेक किया वो भी बहुत अच्छा था। सो कोई भी नया जो बेबी क्लोथ्स है या कुछ भी रिलेटेड इस तरीके का है उसको वॉश करने के लिए आप इस तरीके के बेबी डिटर्जेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने मंगवाया है वो बहुत ज़्यादा लगता है बेबीज़ के लिए, और वो है वेट वाइप्स। सो वेट वाइप्स में जैसे बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस थे कि कौन सा लेना है। उसके बाद जो मैंने देख के समझ के मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो इसलिए मैंने परचेज किया है, और ये है मदर्स ब्रश ब्रांड का। सो इसमें जैसे 3 ऐसे डिफरेंट बेबी वाइप्स हैं,
और इसका पूरा एक कॉम्बो सेट है, और ये पूरा सेट का जो मुझे प्राइस आया है वो है 630 रुपीज़। और ये यहाँ से इस तरीके से आप ओपन करके, यहाँ पे अलग से दिया गया है, यहाँ से निकाल सकते हैं। एक एक जो पैक है उसमें 72 पीसेस करके इसमें वाइप्स दिए गए हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे लिखाई है कि ये 99% प्योर वाटर से बना है, बहुत ही एक्स्ट्रा जेंटल है ये, और ये एक्स्ट्रा थिक भी है, बाकी जो भी वेट वाइप्स आता है उससे ये मतलब थिक है, तो ये 3 टाइम्स उन सभी से थिक है। तो फिर आप बहुत अच्छे से अपने बेबी को इससे क्लीन कर सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट है, आप पूरे बेबी के बॉडी में, फेस में, कहीं पे भी ये आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है 100% प्लांट बेस्ड फैब्रिक से बना है, तो ये बिल्कुल भी आपके बेबी को हार्म नहीं करेगा, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर या फिर कोई भी आर्टिफिशियल परफ्यूम कुछ भी इसमें दिया नहीं गया है। सो इसलिए ये सबसे बेस्ट लगा मुझे ये वाइप्स, तो इसलिए मैंने जो है ये 3 का टोटल सेट मंगवाया है। इसके बाद जो मैंने मंगवाया है वो है एक न्यू बॉर्न बेबी का इस तरीके का एक पिलो। सो मैं ये ओपन करके आपको दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरीके का एक पिलो है और इसका जो प्राइस है वो है 475 रुपीज़। सो ये जो है राई जो मस्टर्ड आता है उसका ये पिलो है, जो पहले टाइम पे बेबी के लिए यूज़ करते थे हम लोग न्यू बॉर्न बेबी के लिए, कि उनका जो जो हेड है उनका शेप बहुत अच्छा आता था, एकदम राउंड शेप, उस टाइम के लिए हम लोग ये यूज़ करते थे। अभी जो वो सिंथेटिक वाला मटेरियल है वो बेबी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, उसमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है और वो कुछ टाइम के बाद बहुत ज़्यादा मतलब श्रिंक हो जाता है, उस टाइम पे बच्चे को उसके ऊपर लेटाने से उन लोग को भी थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है। इसलिए मैंने जो ये बेसिक चीज़ है जो पहले के टाइम पे यूज़ होता था वही मैंने मंगवाया है। इसके अंदर यहाँ पे बेसिकली इस तरीके का ये कवर है, जो भी ऊपर का ये क्रीन आपको दिख रहा है, सो इसको आप यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हैं और कवर को वॉश कर सकते हैं, और अंदर में अलग से इस तरीके का वाइट का कपड़ा है जिसके अंदर पूरा इस तरीके का जो मस्टर्ड है राई उसको पूरा भरा गया है, और इसके ऊपर जो है आप अपनी न्यू बॉर्न बेबी को लेटा सकते हैं। अप टू 12 मंथ्स तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी बेबी के लिए, बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट है, ये बहुत ज़्यादा ऐसे राई नहीं है डाला गया है ताकि आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। सो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ लगी मुझे न्यू बॉर्न बेबी के लिए, सो ये मैंने मंगवाया है, सो आप भी इसको ज़रूर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने 2 टाइप के पैम्पर्स डाइपर मंगवाए हैं, दोनों ही पैम्पर्स ब्रांड के ही मैंने मंगवाए हैं, और ये मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा पैक अभी नहीं मंगवाया है, सो मैंने टेस्टिंग के लिए जो छोटा पैक है वही मंगवाया है ताकि कौन सा जो बेबी को अच्छा सूट हो रहा है नहीं हो रहा है उसको चेक करने के बाद ही मैं बड़ा जो पैक आता है वो मंगवाऊंगी। सो ये जो पहला वाला है वो है पैम्पर्स प्रीमियम केयर पैंट्स, तो इसमें जैसे पैंट स्टाइल के 24 पैंट्स ऐसे आते हैं, सो आप इस तरीके से बेबी को पहना सकते हैं, ये न्यू बॉर्न बेबी से लेके अप टू 5 kg तक के बेबी के लिए सही रहेगा। और ये 24 पैंट्स के लिए मुझे इसका जो प्राइस है वो है 300 रुपीज़ लगा है। सो यहाँ पे लिखा है कि ये कॉटन ही सॉफ्ट है, ये बहुत ज़्यादा ब्रीदेबल है और ये अप टू 12 आवर्स तक लीक को लॉक करके रखता है। सो इसमें जैसे बहुत तरीके के साइजेस भी आते हैं 2XL तक, सो मैंने यहाँ पे जो न्यू बॉर्न के लिए सबसे छोटा वाला स्मॉल साइज़ है मैंने वो लिया है, और ये जो है एंटी रैश है, इसमें कोई भी रैश होने के चांसेस बहुत कम है, और इसमें जैसे एक वेटनेस इंडिकेटर भी दिया गया है जो कि इसके अंदर ही दिया है हर एक पैंट्स में, सो वो जैसे ही बेसिकली वो येलो कलर का है लेकिन उसको जैसे ही वो अपना कलर चेंज करके ब्लू हो जाएगा वो इंडिकेट करेगा कि आपको अभी बेबी का जो ये डायपर है वो चेंज कर लेना चाहिए। और ये इजी टू डिस्पोजेबल है, आप जस्ट इसको निकाल के कहीं डिस्पोज कर सकते हैं बहुत ही इजीली। और इसका ही दूसरा एक टाइप भी मैंने मंगवाया है, ये भी पैम्पर्स का ही है, ये टेप स्टाइल में है, ये भी न्यू बॉर्न बेबी टू अप टू 5 kg तक की बेबी के लिए है, और ये भी 24 डाइपर्स इसके अंदर है, ये भी जैसे 315 रुपीज़ मुझे ये कॉस्ट किया गया है। सो इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि ये आप एडजस्टेबल फिट में आता है क्योंकि ये टेप स्टाइल में है, सो जितना भी टाइट या लूज आपको करना है उस हिसाब से ये टेप आप एडजस्ट कर सकते हैं। और न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत टाइम होता है जब तक उन लोगों का वो कॉर्ड
नहीं निकलता है उस टाइम पे पैंट स्टाइल डाइपर जो है थोड़ा सा इरिटेबल हो सकता है, बहुत ये ऊपर तक हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको जो है टेप स्टाइल इस तरीके का डाइपर्स उस टाइम पे फोल्ड करके और आप इसको एडजस्ट करके पहना सकते हैं ताकि बेबी भी इसमें कंफर्टेबल रहेगा। ये भी बहुत ज़्यादा अल्ट्रा सॉफ्ट है, लेकिन इसमें जो है वो जो उस पैंट स्टाइल डाइपर में जो वो येलो और ब्लू वाला इंडिकेटर था, इस टेप वाले डाइपर में वो फैसिलिटी नहीं है। ये भी 12 आवर्स तक आपके बेबी को ड्राई रखेगा, बहुत ज़्यादा ये भी सॉफ्ट है, एक्स्ट्रा ड्राई लेयर इसमें दिया गया है और ये सॉफ्ट स्ट्रेची वेस्ट साइड के साथ आता है जो कि बिल्कुल भी आपके बेबी के वेस्ट को इरिटेबल नहीं करेगा। सो ये था आज का मेरा वीडियो जिसमें मैंने 10 टोटल ऐसे आइटम्स आप लोगों के साथ शेयर किए जो कि बेबी इसेंशियल आइटम्स है। सो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इसमें से अगर आप लोगों ने कुछ भी यूज़ किया होगा या फिर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा होगा, सो मुझे भी हेल्प हो जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है सो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा ताकि कोई और न्यू मॉमी अगर हम लोग की तरह है तो उनको भी ये वीडियो देख के बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे न्यू इसका जो सेकंड पार्ट है उसको लेके, जिसमें मैं आप लोगों को बेबी क्लोथिंग आइटम्स दिखाऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, बहुत जल्द मिलेंगे, बाय बाय।